सदाम हुसैन ने आखिर फांसी के वक्त कोर्ट क्यों मांगा था? सदाम हुसैन के फांसी से पहले जो अमेरिकी सैनिक उनके सिक्योरिटी में लगाए गए थे वो उनके दोस्त बन गए थे। ये 12 स्पेशल कमांडोस अलग अलग फोर्सेस से लिए गए थे और इन्हीं 12 कमांडोस में से एक ने सदाम हुसैन के ऊपर एक किताब भी लिखा था जिसमें उन्होंने मेंशन किया है कि सदाम हुसैन को हम अपनी दादा की तरह मानते थे, ना कि किसी कठोर तानाशाह की तरह। और ये भी बताया है कि जब हम लोगों ने सदाम हुसैन को फांसी लगाने वालों के हवाले किया तो हम सभी के आंखों में आंसू आ गए थे, यानी उस वक्त 12 के 12 सोल्जर्स रो रहे थे। फांसी से पहले सदाम हुसैन बहुत सुकून में थे, वो बस मुस्कुरा रहे थे। उन्होंने जाने से पहले कोट भी मांगा था जो उन्हें दे दिया गया। जब उनसे पूछा गया कि आप ये कोट पहनकर क्या करेंगे तो सदाम हुसैन ने कहा, इस वक्त सर्दी बहुत ज्यादा पड़ रही है और मैं नहीं चाहता कि जब मुझे फांसी के लिए लेकर जाया जाए तो मेरे हाथ पर सर्दी की वजह से कांपने लगे और मेरी कौम के लोगों को ये लगे कि उनका लीडर अपनी मौत की डर से कांप रहा है।